डॉक्टर सेल्वराज, ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं, जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। इट इज द बेस्ट टीथ वाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर जॉस एंड देन वी कैन प्रिंट इट, प्रिंट योर जॉस ऑन दिस 3D। एक्चुअली फॉर अंडमान दिस इज अ वेरी बिग सेटअप, बट वी आर अमंग द टॉप डेंटल क्लिनिक्स इन इंडिया। नमस्कार, मैं नश्री, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 24 में, जहाँ पर यहाँ के काउंसिलर श्रीमती कविता मैडम द्वारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने 21 तोपों की सलामी देते हुए ध्वजारोहण किया था और हमारे देश को पूर्व रूप से गणतंत्र घोषित किया था। तो हर साल से इसी रूप में मनाया जाता है और बढ़ चढ़ कर मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष में यहाँ पर भी आज गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन रखा गया था। और लास्ट टाइम आपने हमारे चैनल में देखा होगा कि यहाँ पे पोंगल सेलिब्रेशन भी किया गया था। तो पोंगल सेलिब्रेशन के टाइम पे जो गेम्स रखे गए थे, जो रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन रखा गया था, उसका आज जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो इसी के उपलक्ष में हम यहाँ मौजूद हुए ताकि आपको आगे का पूरा कवरेज दिखा सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो पोंगल में जो कार्यक्रम किए थे उसका प्राइस अभी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अभी सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विमला मैडम हम लोग के साथ है, जो नंबरिंग किए थे वो हिसाब से थोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन नंबर जो नौसाद कल्ली में भी हुआ था और गणेश मंदिर के पीछे भी हुआ था, तो वो हिसाब से हम लोग नंबर बता दे देंगे। वो नंबर किसका है क्या है देख लीजिए। अब तक बहुत बढ़िया
साथ दिया, जो हमारे मीडिया पर्सन हमारे यामिन भाई और जो एचआरएस राकेश भाई और हमारे जो विप्लव मैडम और जो हमारे जितने हमारे एक एक युद्ध जो सबका नाम लेगा तो मुश्किल है, सभी जो भी युद्ध सभी ने पूरा साथ दिया, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और ये इसी तरह अगला साल भी बहुत बढ़िया से कार्यक्रम होएगा, ये हर साल कंटिन्यू रहेगा। आप ये सोच रहे का पोंगल आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहेगा, कार्यक्रम रहेगा करके आप दिल में सोच लेना, उसके लिए रेडी रहना पहले से, हर काम होते रहेगा। और एकदम आपको कभी भी किसी अरेंजमेंट में किसी तरह का पार्टिसिपेट किसी तरह का भी बातचीत कोई तरह का भी काम हो तो हमको बताएं तो हमको इसी टाइम आ जाएंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बीच में हम हमेशा ही रहेंगे। तो इसलिए आप लोग हमको बुलाते हैं टाइम टू टाइम, ये मेरा खुशकिस्मती है जो आप लोग मेरे को याद करते हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर एंड मिसेस ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு, பொங்கல் அன்னைக்கு ரொம்ப நல்ல செலிப்ரேஷன், அழகா வெரைட்டி ஆஃப் செலிப்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வருஷம். ஐம் சோ ஹாப்பி டு அண்ட் அட் த சேம் டைம் எல்லா உமன்ஸுக்கும் ஒரு டாஸ்க் கொடுத்து அவங்களுடைய ஏரியாவே கலக்கியிருக்காங்க. பொங்கல்லாம் வந்து தமிழ்காரங்க ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அட் த சேம் டைம் இன்னைக்கு இருக்க நவ டேஸ் ஒரு மாடர்ன் லைஃப்ல வந்து பக்கத்துல பார்க்க கூட முடியறதில்லை. तो आइए इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर उदय सर से भी बात करते हैं, उनसे भी आज के इस विषय में दो शब्द सुनना चाहेंगे। सभी का नमस्कार, सबका हैप्पी रिपब्लिक डे। आज यहाँ में जो काउंसलर ऑफिस है यहाँ में हम लोग झंडा लहराने का कार्यक्रम हुआ है, और इसका पहले जो पोंगल का दिन जो कार्यक्रम हुआ था, हॉकी टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट और ये जो रंगोली का और भी बहुत सारे खेल हुआ था, सबका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी आज ही किए गए हैं। जो महिला लोग हैं सारा महिला आए हैं, सभी का प्राइस जो कंसोलिडेशन प्राइस है सबको दिया है, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस जगह में जितने भी काम किए हैं हमारा साथ मिलकर, और साथ साथ में आप लोग जो मीडिया आप लोग हर कार्यक्रम को कवरेज करके आप लोग पब्लिसिटी किया, उनके लिए आप लोग के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और जितना भी पार्टिसिपेंट्स था हर कार्यक्रम में सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस का बधाई देते हुए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये बात करते हैं वार्ड नंबर 24 के काउंसिलर जिनके द्वारा यहाँ का पूरा कार्यक्रम जो है वो हो पाया है, तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनसे भी दो शब्द सुनना चाहेंगे। सभी का हैप्पी रिपब्लिक डे। पोंगल का दिन हम लोग प्रोग्राम रखा था, युवा लोग पूरा सपोर्ट किया, और मैडम विमला मैडम भी पूरा जट का सपोर्ट किया था मेरा वार्ड के लिए, इतना हम लोग सपोर्ट किया था उस लोग मेरा युवा लोग, इसीलिए उस लोग भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मैम। तो आइए बात करते हैं हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के प्रेसिडेंट से राकेश्वर जी से, उनसे भी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर दो शब्द सुनना चाहेंगे। जय हिंद मैम। कुछ दिन पहले जो पोंगल की फेस्टिवल थी उसके उपरांत वार्ड नंबर 24 के अंतर्गत कई तरह की प्रोग्राम यहाँ पे रखी गई थी। वार्ड नंबर 24 में यहाँ की वार्ड काउंसिलर श्रीमती कविता उदय कुमार जी के द्वारा, तो इसके पश्चात जो भी विनर्स उस समय प्रतियोगिता में जीते थे आज 26 जनवरी के अवसर पर उनको सम्मानित किया गया म्यूनिसिपल साइड ऑफिस पे, श्रीमती कविता उदय कुमार एवं एनके उदय कुमार जी द्वारा। माहौल देख के यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगी कि उनका वार्ड है वो सबको मिला के लेके चल रहे हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज अपने वार्ड में कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इस वार्ड के लोकल सिटीजन से, उनसे भी इस कार्यक्रम के बारे में हम रिव्यू लेना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं 24/7 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 24 में पहुँच कर और आज के इस शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 24 के सभी कार्यक्रम को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसके लिए आपको सहदिल से धन्यवाद। और हमारे वार्ड काउंसिलर श्रीमती एन के उदया कुमार का सहदिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज इतने भव्य कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। और माननीय श्री एन के उदय कुमार जी का भी सहदिल से धन्यवाद करूंगा, जो मुझे इस उपस्थिति में बुलाया गया है। मैं आपका सभी का
शुक्रगुजार हूँ। न्यूज़ अंडमान 24/7 को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के दिन में जो मीडिया वाले जो ने बहुत जन को मीडिया के जरिए से सबको दिखाया है, बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज वार्ड नंबर 24 के तहे दिल से मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसमें हर तरह की कॉम्पिटिशन किया गया, मैं तहे दिल से मैं हमारे वार्ड नंबर जो काउंसिलर है तहे दिल से मैं क्लियर चाहता हूँ। आइए बात करते हैं मुर्गन सर से, उनसे भी आज के विषय में दो शब्द सुनना चाहेंगे। थैंक यू। हमारा वार्ड नंबर 24 में जो पोंगल का प्रोग्राम हुआ था उसमें रंगोली का जो भी प्रोग्राम हुआ, बहुत सारा महिला लोग और बच्चे लोग सब पार्टिसिपेट करे, अच्छे से रंगोली बनाए, उसका भी प्राइस का आज डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारा वार्ड नंबर काउंसिलर जो है एन के उदय कुमार और मिसेस कविता उदय कुमार जी, हम लोग बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। भारत की संविधान लोगों को स्वतंत्र, समानता, भाईचारा सिखाती है। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गणतंत्र दिवस आपकी जिंदगी में और भी खुशियां लाए, और तो और हम सबको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ यहाँ का पूरा कार्यक्रम समाप्त होता है। आपने देखा कि यहाँ पर जो है हमारा देश का झंडा लड़ाया गया, यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्पिटिशन रखा गया। हम धन्यवाद करते हैं यहाँ के वार्ड काउंसिलर को जो इन्होंने इतना अच्छा एक स्टेप लिया कि जो पोंगल का सेलिब्रेशन था उसके जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे 26 जनवरी के खास अवसर पर ही बांटा जाए ताकि लोगों में इसके प्रति और भी जागरूकता हो। तो इसी तरह हर साल ऐसे ही गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करते रहेंगे। हर जगह पूरे देश भर में इसे मनाया जा रहा है, आगे भी इसे और भी अच्छे अच्छे तरीकों से मनाया जाए, कुछ और क्रिएटिविटी के साथ मनाया जाए, बच्चों में इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता हो कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, अपने देश के प्रति वो प्रेम जो है वो चीज हमें कभी खोना नहीं चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशीन न्यूज अंडमान 24/7 से नमस्कार।